सब्सक्राइब करें स्मार्ट एक्शन एंड नॉलेज चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। स्वागत है आपका मेरे चरण में। आज हम सीखेंगे कि हम अपने लैपटॉप का वाईफाई जो हमारा डिसेबल हो जाता है या हमारा ऑटोमेटिक हो जाता है तो हम उसको कैसे इनेबल करके हम कैसे हम वाईफाई से कनेक्टेड हैं। तो आज के लिए यही आपकी वीडियो, तो चलो स्टार्ट करते। लेट्स स्टार्ट दी वाईफाई नेटवर्क हाउ टू इनेबल। तो आप जैसे हम मेरे लैपटॉप में देख रहे होंगे, यहाँ पर मेरा जो नेटवर्क कनेक्शन है वो डिसेबल हो रखा है, जिससे वो आप देख रहे होंगे रेड कनेक्शन रेड कर आ रहा है, जिसमें वो क्रॉस करके आ रहा है। तो मैं कैसे करता हूँ आप ध्यान से देखिए, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ पर ये आपका क्रॉस आ रहा है जो आपका नेटवर्क शेयरिंग वाला है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पर सारा हमारा नेटवर्क कनेक्शन का शेयरिंग सेंटर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ देख रहे हो लेफ्ट साइड में तीन हमारे बने हुए आ रहे हैं, तीन हमारे इसमें है कंट्रोल पैनल, चेंज एडाप्टर सेटिंग और चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, ठीक है। इसमें क्या है, सेकंड वाला जो है हमारा चेंज एडाप्टर सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन, यही है हमारा जो डिसेबल आपको दिखा रहा है, इसी को आपको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जब ये सेलेक्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे आप, तो आप यहाँ देख रहे होंगे इनेबल लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको जैसे आप इसको इनेबल कर देंगे तो ये देखिए आपका यहाँ इनेबल हो चुका है, और दूसरा वायरलेस सेटिंग कनेक्शन टू भी एक आ चुका है, जो इसी का दूसरा पार्ट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये इनेबल हो चुका है और मैं वाईफाई से कनेक्टेड हो चुका हूँ। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इस वीडियो में कि हमने किस तरीके से वायरलेस को हमने इनेबल किया, वाईफाई से हम कनेक्टेड हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, आपके लैपटॉप में नहीं कनेक्ट हो रहा या कोई प्रॉब्लम आ रही, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उसकी सोल्यूशन करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।